हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। मैं नरेश अडारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति, और राजस्थान की कला संस्कृति में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, टकाटक होंगे, शानदार होंगे। और यहाँ डेली क्लास जो है वो राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं सबके लिए आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में। सुबह डेली क्लास होती है 8 से 9 के बीच में, तो इस क्लास से जुड़ना नहीं भूलें। और यहाँ पर हम जो भी परीक्षाओं में पुराने प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो डेली आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं दोस्तों, और जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम एमसीक्यू के माध्यम से राजस्थानी कला संस्कृति के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं? कौन से संत हैं जो मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं? यहाँ संत दे रखे हैं, अब लालदास, पीपा, हरिदास और दादूदयाल। तो देखो, यहाँ दादूदयाल जी की बात करें तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये ढूंढाण क्षेत्र से हैं। किससे हैं? ढूंढाण क्षेत्र से हैं। तो इनका संबंध जो है दोस्तों वो किससे है? ढूंढाण प्रदेश से है, ढूंढाण क्षेत्र से है। संत हरिदास जी, संत हरिदास जी जो हैं इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध मारवाड़ से है। कहाँ से है? मारवाड़ से है। और संत पीपा, इनका जो संबंध है वो किससे है? तो हड़ौती क्षेत्र से है। ठीक है, अब संत पीपा इनका जो संबंध है गागरौंड क्षेत्र से है। किससे है? गागरौंड क्षेत्र से है। संत हरिदास का संबंध नागौर से है। किससे है? नागौर से है। और दादूदयाल का संबंध किससे है? तो जयपुर से है। किससे है? जयपुर से है। और मेवात जो क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र, उससे संबंधित संत कौन है? संत लालदास जी हैं। संत लालदास जी जो हैं इनका संबंध मेवात क्षेत्र से है। और मेवात जो है उसमें यहाँ अलवर और भरतपुर क्षेत्र, अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र है उससे संबंधित संत हैं दोस्तों कौन? संत लालदास जी। संत लालदास जी इनकी हम बात करें तो संत लालदास जी इनका जो जन्म है, जन्म वो हुआ है धौली दूब गांव में। कहाँ पे? अलवर में है। तो धौली दूब यहाँ इनका जन्म हुआ है, अलवर में। इनका अगर हम बात करें प्रमुख पीठ कहाँ है, तो प्रमुख पीठ है नंगला कामा में, नंगला कामा भरतपुर में प्रमुख पीठ है लालदासी संप्रदाय की। और इनके जो समाधि है, समाधि उसकी बात करें तो इनकी समाधि है शेरपुर अलवर में, शेरपुर अलवर में। तो शेरपुर अलवर में इनकी समाधि है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ लालदास जी हो जाएगा। लालदास जी जो हैं ये मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत हैं, और मेवात क्षेत्र में इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के, सांप्रदायिक सद्भाव के, मानव एकता के बल पर काम किया। और यहाँ पर प्रसिद्ध संत है लालदास जी। तो मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर जो क्षेत्र है वहाँ, उस क्षेत्र से संबंधित संत हैं कौन दोस्तों? लालदास जी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल सबका टकाटक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, अच्छा आंसर दिया है, शाबाश। अगला प्रश्न दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र का वह कौन सा नाट्य है सावन भादो मास में लगभग 40 दिन तक किया जाता है? तो सावन भादो महीने में लगभग 40 दिन तक चलता है। फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, सावन भादो महीने में ये किया जाता है, लगभग कितने दिन चलता है? 40 दिन चलता है, लगभग 40 दिन ये चलता है, सावन भादो माह में किया जाता है। तो सावन भादो माह में लगभग 40 दिन तक ये किया जाने वाला ये नाट्य है। और सावन भादो में लगभग 40 दिन तक किया जाने वाला जो नाट्य है वो कौन सा नाट्य है? तो दोस्तों यहाँ पर नाट्य है वो गबरी नाट्य है। कौन सा नाट्य? गबरी नाट्य। और गबरी नाट्य जो है वो भीलों का है। किसका है? भीलों का है, बिल्कुल सही आंसर सभी का। ठीक है, तो भीलों का है, और भीलों द्वारा सावन और भाद्रपद माह में शिव भस्मासुर की कथाओं पर आधारित, शिव भस्मासुर की कथाओं पर आधारित, शिव भस्मासुर की जो कथा हैं उन पर आधारित यहाँ पर ये गबरी लोकनाट्य जो है
ये प्रदर्शित किया जाता है, गौरी लोक नाट्य होता है। ठीक है, तो मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक चलता है, तो वो 40 दिन तक चलता है भीलों का है, और गौरी जो है गौरी लोक नाट्य, इसके पात्रों का नाम याद रखना आप, इसके पात्र कौन कौन हैं, तो इसके जो पात्र हैं उनमें एक तो शिव होता है, और शिव को क्या कहते हैं, पुरिया कहते हैं। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, महिला भाग नहीं लेती हैं। शिव है, शिव को पुरिया कहा जाता है। एक है पार्वती, और पार्वती को दोस्तों क्या कहा जाता है, राई कहा जाता है, पार्वती को राई कहा जाता है। इसमें एक इसमें हास्य कलाकार होता है, हास्य कलाकार होता है, और हास्य कलाकार जो जोकर होता है इसमें, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं झमट्या। क्या कहते हैं, झमट्या कहा जाता है उसको। और एक इसमें यहाँ पर अगर और बात करें तो इसमें एक होता है इसका सूत्रधार, सूत्रधार, और सूत्रधार मतलब एंकरिंग जो करता है, एंकर जो होता है, ठीक है, सूत्रधार जो इसकी शुरुआत करता है उसको कहते हैं यहाँ पर कूटकुड़िया। क्या कहते हैं, कूटकुड़िया, तो कूटकुड़िया कहा जाता है उसको, तो उसको कूटकुड़िया कहा जाता है। ठीक है, और हास्य कलाकार झमट्या कहलाता है, पार्वती राई शिव पुरिया। ठीक है, ये पात्र हैं गौरी लोकनाट्य के प्रमुख, और गौरी लोकनाट्य से भस्मासुर की कथाओं पर आधारित होता है, और यहाँ ये प्रदर्शित किया जाता है, तो इसके पात्रों को नाम याद रखना। ठीक है, इसमें नृत्य किया जाता है, इसको गौरी नृत्य कहते हैं भीलों का, इसको राई नृत्य भी कहते हैं, और इसमें ये खास बात कि इसमें महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, तो इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, तो इसमें भाग कौन लेता है, तो केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। जो पुरुष पार्वती बनेगा उसको कहेंगे राई, क्या कहेंगे, उसको राही कहेंगे। तो यहाँ पर राई पार्वती और शिव को क्या कहते हैं, पुरिया कहते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा दूसरा जो प्रश्न है उसका डी आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी आंसर होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न, तोड़ियो ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तोड़ियो ऊंट का बच्चा होता है और उसके मुलायम बालों के सूतों के धागे के साथ, ठीक है, धागे के साथ मिलाकर के जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो ये पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। नमदा, लोगड़ी, बाखला, आसन, क्या कहते हैं बताओ उसको। शाबाश, वेरी गुड। ऊंट की ऊन से टोंक में बनाए जाते हैं, उनको तो क्या कहते हैं, नमदे कहते हैं। ठीक है, नमदे कहते हैं, और जो ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों से सूत के साथ में धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बाखला कहा जाता है। उस कपड़े को क्या कहते हैं, बाखला कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है, बिल्कुल सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बाखला हो जाएगा। क्या होगा, बाखला। शाबाश। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला है जो बंधेज की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का। ठीक है, बंधेज की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का कौन सा जिला है, बंधेज की साड़ियों के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जोधपुर, कोटा, शाहपुरा, उदयपुर। जोधपुर, कोटा, शाहपुरा, उदयपुर। शाबाश, वेरी गुड। राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो बंधेज जो है बंधेज के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। बंधेज मंडी है, बंधेज मंडी है, और बंधेज जो मंडी है वो कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है, तो बंधेज जो मंडी है वो जोधपुर में है। ठीक है, और कोटा में कोटा डोरिया साड़ी प्रसिद्ध है। शाहपुरा
शाहपुरा जो है यहाँ के नांदड़े प्रसिद्ध हैं। क्या हैं? नांदड़े, घाघरे जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, तो नांदड़े प्रसिद्ध हैं शाहपुरा के, ठीक है। और कोटा की कोटा डोरिया साड़ी प्रसिद्ध है, और जोधपुर में बंधेज मंडी है, और बंधेज का जो कार्य है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बंधेज मंडी भी जोधपुर में है, और बंधेज के साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है दोस्तों? जोधपुर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का, एकदम सही आंसर है, टकाटक। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए, संप्रदाय और मुख्य पीठ दे रखे हैं, संप्रदाय और मुख्य पीठ दे रखे हैं, जिसमें निरंजनी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, गुर्दर संप्रदाय, रामेश्वरी संप्रदाय, मुख्य पीठ दे रखे हैं पन्ना, गाड़ा, सापुरा, दांतला। ओके, शाबाश। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर सही मिलान करना है इसका। निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गाड़ा गांव में। और गाड़ा गांव कहाँ है? नागौर में। कहाँ है? नागौर में। बिल्कुल सही है ये। तो ए में क्या हो जाएगा? दो। ए में दो हो जाएगा, ठीक है। अब ए में दो किस में है? दो में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो गए। अब यहाँ परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? पन्ना में। तो इसमें आ जाएगा बी में एक। बी में क्या आ जाएगा? एक। तो बी में एक यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये भी गया। अब रह गया ये डी। गुदर संप्रदाय, गुदर संप्रदाय की दांतड़ा में है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चार। और रामेश्वरी संप्रदाय की शाहपुरा में है, तो इसमें हो जाएगा तीन। तो आंसर हो जाएगा इसका चार, आंसर होगा दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, यानी कि डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो डी आंसर जो है वो सुमेलित करने वाला प्रश्न है, और सुमेलित करने वाले को आप क्या करना है? ऐसे मिलाना है, ठीक है। पन्ना कहाँ पर है? एमपी में है। पन्ना एमपी में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, और दांतला भी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। तो ये दोनों भीलवाड़ा में है, ठीक है। और गाड़ागांव नागौर, यहाँ पर निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ओके, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। तो निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? संत हरिदास जी, संत हरिदास जी हैं। और परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी हैं, प्राणनाथ जी हैं। और गुदर संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी हैं, संत दास जी हैं, संत दास जी हैं। और रामस्नेही संप्रदाय, रामस्नेही जो संप्रदाय है उस रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संत रामचरण जी हैं, संत रामचरण जी हैं। तो संत रामचरण जी इसके संस्थापक हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ डी आंसर है, इस प्रकार मिलान हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, और उससे पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट सूचना, देखो दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर है जो 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक वैलिड है, और 3 नवंबर तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। एक दिन शेष है इसमें, ठीक है, एक दिन शेष है इसमें। तो इसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% डिस्काउंट, ट्रिपल धमाका में क्या क्या है देखो, 90% डिस्काउंट पहला, दूसरा एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 मंथ की। आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं, और वो कोर्स कैसा? लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है, रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है कितने महीने की? 3 महीने की, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो दूसरा ये हो गया ऑफर, पहला ऑफर ये, और तीसरा ये हो गया। तो ट्रिपल धमाका ऑफर है, और ट्रिपल धमाका ऑफर जिसमें 90% तक डिस्काउंट है, जिसकी डेट ध्यान रखना लास्ट है कल 3 तारीख, ठीक है। 3 तारीख तक ये वैलिड है, और 3 तारीख तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू। अगला प्रश्न, मगर मंडी माता मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है,
मगर मंडी माता कहाँ पर अब स्थित है? तो मगर मंडी माता जो है आउवा गोठ मांगलोत किराड़ू निमाज, ठीक है। मगर मंडी माता कहाँ पर स्थित है? तो मगर मंडी जो माता है इसका मंदिर कहाँ स्थित है? आउवा में, गोठ मांगलोत में, किराड़ू में और निमाज में। कहाँ पर स्थित है? तो देखो, आउवा, गोठ मांगलोत, किराड़ू और निमाज, इसमें कहाँ पर यह स्थित है? तो मगर मंडी माता, ठीक है, कहाँ पर है? आउवा में, गोठ मांगलोद में, किराड़ू में है और निमाज में है, ठीक है। तो आउवा में तो कौन सी माता है? कुशाल माता है। कौन सी है? कुशाल माता है। कुशाल माता मंदिर है, सॉरी, सुगाली माता। कौन सी? सुगाली माता। तो सुगाली माता है, कुशाल माता बदनौर में है। सुगाली माता जिनकी मूर्ति के 10 मुख 54 हाथ हैं आउवा पाली में। गोठ मांगलोद में दधिमती माता है, दधिमती माता, तो दधिमती माता है, दधिमती माता है। और किराड़ू में सोमेश्वर मंदिर है, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं इसको, ठीक है। और मकर मंडी माता है निमाज पाली में। कहाँ पर है? पाली में है। तो मकर मंडी माता है, यहाँ ये मगर मंडी लिख रहा है, मकर मंडी माता है वैसे, ठीक है। और कहाँ पर है ये मंदिर? निमाज पाली में है। बिल्कुल सही, ने सभी ने बिल्कुल टकाटक आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ निमाज पाली, और निमाज पाली में है मगर मंडी माता मंदिर है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो निमाज पाली में स्थित है। अगला प्रश्न, मजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? मजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? गौरी, तेरेताली, वालर और घूमर। मजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? गबरी, तेरेताली, वालर और घूमर। अब बताइए आप किस में किया जाता है? तो यहाँ पर मजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? गबरी, गबरी में मादल है, गबरी में कौन सा है? मादल बजाया जाता है, ठीक है। और वालर, वालर जो नृत्य है वो वालर नृत्य, इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है। मजीरे हैं तेरह मजीरे, तेरह मजीरा हैं और तेरह मजीरों का प्रयोग होता है। तो मजीरा है, तानपुरा है, चौतारा है, ये किस में बजते हैं? तेरह ताली। बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का, ठीक है। तो ये तेरह ताली नृत्य के समय बजाए जाते हैं। वन रक्षक 2022 का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का, एकदम सही आंसर है। शाबाश, चलें अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मंदिर जिला, धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा, चार चौमा मंदिर चूरू, कालागोरा भैरव मंदिर सवाईमाधोपुर, बीजासन माता बूंदी। तो बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थर्ड ग्रेड 2023 का प्रश्न है। धनोप माता मंदिर, चार चौमा मंदिर, कालागोरा भैरव मंदिर और बीजासन माता मंदिर। बीजासन माता मंदिर। अब इसमें कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये देखना है। तो देखो धनोप माता भीलवाड़ा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चार चौमा मंदिर ये कहाँ पर है? कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है। कोटा में है ये मंदिर, चूरू में नहीं है, ठीक है। कोटा मंदिर है, चूरू में नहीं है। चूरू में कौन सा मंदिर है? सालासर बालाजी, सालासर बालाजी मंदिर है।
सालासर चूरू में, सालासर बालाजी का है। तो सालासर बालाजी का मंदिर है, काला गोरा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर, ठीक है, और बीजाश्रम माता मंदिर कहाँ पे, बूंदी में, बीजाश्रम माता मंदिर बूंदी में है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, चार चौमा मंदिर है। और चार चौमा जो मंदिर है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है केवल एक, बाकी सुमेलित है। बीजाश्रम माता इंद्रगढ़ बूंदी में है, कहाँ पे है, इंद्रगढ़ में है, इंद्रगढ़, और इंद्रगढ़ कहाँ है, बूंदी में है, ठीक है। तो इंद्रगढ़ बूंदी में ये मंदिर है, और चार चौमा मंदिर ये कोटा में है, ठीक है। चार चौमा मंदिर है, बूढ़ा तीत का सूर्य मंदिर है, ठीक है, कैथून का विभीषण मंदिर है, ठीक है, यहाँ, और इसके अलावा भदाणा माता मंदिर है, ये सब कहाँ पे हैं, कोटा में है। गेपरनाथ मंदिर है, कोटा में है, और इसके अलावा मथुरेश जी मंदिर है, कोटा में है। चार चौमा मंदिर कोटा में है, चूरू में नहीं है। तो इसका अश्वमेलित कौन सा हो जाएगा, तो सुमेलित नहीं है, वो बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखो, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धवाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, अब स्थित है, थर्ड ग्रेड में पंजाबी के एग्जाम आया है, करौली, पाली, बूंदी, उदयपुर, ठीक है। विपरीत पिरामिड के आकार में, उल्टे पिरामिड के आकार में बना है, ठीक है, और बना है धवाई, धवाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, जेल कुंड भी कहा जाता है, कहाँ अब स्थित है, तो करौली, पाली, बूंदी, बूंदी, उदयपुर, कहां पर स्थित है, यह आपको आंसर देना है। शाबाश, वेरी गुड। कहां पर स्थित है, तो आपको पता है, देखो, धवाई देवी की, धवाई देवा की छत्री है, ठीक है, धवाई देवा की जो छत्री है वो 84 खम्भों की छत्री है, बूंदी में है। तो धवाई कुंड, ठीक है, ये जेल कुंड भी कहते हैं इसको, और वो कहाँ पर है, बूंदी में है, कहाँ पर है, बूंदी में है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 84 खम्भों की छत्री है धवाई की, ठीक है, 84 खम्भों की छत्री भी है, और वो छत्री कहाँ पर है, यहाँ बूंदी में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, बूंदी हो जाएगा, ठीक है। तो 84 खम्भों की छत्री, 84 खम्भों की छत्री है, और 84 खम्भों की जो छत्री है, 84 खम्भों की छत्री, वो भी यहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है, सुवर्णगिरी, तो सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आबू, जैसलमेर, जालौर, गागरौन। आबू में जो किला है वो कौन सा है, अचलगढ़ दुर्ग है, कौन सा है, अचलगढ़ दुर्ग है। और जैसलमेर, और जैसलमेर में जो दुर्ग है, जैसलमेर में स्वर्णगिरी है, क्या है, स्वर्णगिरी दुर्ग है, जिसको सोनारगढ़ कहते हैं, सोनार किला कहा जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर जैसलमेर में। गागरौन का किला है, और गागरौन का जो किला है इसको जल दुर्ग कहते हैं, मुस्तावाद कहते हैं, धूलरगढ़ कहा जाता है, डोड़गढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये गागरौन में जल दुर्ग है, और गागरौन में, झालावाड़ में। और सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ पर है, जालौर में है, और ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में ये दुर्ग बना है, और इसका निर्माता नागवट प्रथम को माना जाता है, नागवट प्रतिहार को माना जाता है। तो नागवट प्रतिहार द्वारा ये बनवाया गया है, और यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है आशापुरा माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर है, और यहाँ पर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम कर दिया था जलालाबाद, क्या कर दिया था, जलालाबाद रख दिया था। और यहाँ पर मस्जिद बनवाई थी, तोप मस्जिद, अलाई मस्जिद फिरोजा की याद में, और इसमें यहाँ पर जालौर दुर्ग को ही क्या कहते हैं, हम जलालाबाद भी कहते हैं, सुवर्णगिरी दुर्ग, काचनगढ़, काचनगिरी दुर्ग, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, जालौर, बिल्कुल सही आंसर, एकदम टकाटक, शाबाश। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, उससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना, देखो दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, और दिवाली धमाका जो ऑफर है वो 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक है, 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ये ऑफर है। और उत्कर्ष ऐप के सभी जो टेस्ट सीरीज हैं उन सभी पर कितना परसेंट डिस्काउंट है, 90% 90% तक डिस्काउंट है दोस्तों, और इसका आप फायदा उठा सकते हैं 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक है, 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक है। तो उत्कर्ष का दिवाली धमाका ऑफर है, इसका फायदा उठा सकते हैं, ओके, शाबाश दोस्तों।
अगला प्रश्न, झेला झमेला पीपल पत्रा अंगूठा किस अंग के आभूषण हैं? झेला झमेला पीपल पत्रा अंगूठा किस अंग के आभूषण हैं? कान है, उंगली है, हाथ है, गला है, बताइए भैया। झेला झमेला पीपल पत्रा अंगूठा किस अंग के आभूषण हैं? कान, उंगली, हाथ, गला, किसके आभूषण है बताइए। झेला झमेला पीपल पत्रा अंगूठा, शाबाश, वेरी गुड। तो ये सब किसके आभूषण हैं? कान के आभूषण है, कान में धारण किए जाते हैं। झेला है, झमेला है, पीपल पत्रा है, अंगूठा है, ठीक है, बाली है, लटकन है, सुरलिया है, पीपल पत्रा है, ये सब जो है इसमें कान में धारण किए जाते हैं, कान में धारण किए जाते हैं, लौंग है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, ठीक है, तो पोमचा माँ बनने के उत्सव पर, विवाह के उत्सव पर, अविवाहित कन्या द्वारा और एक विधवा द्वारा, एक विधवा द्वारा। तो राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है माँ बनने के उत्सव पर, विवाह के उत्सव पर, अविवाहित कन्या द्वारा और एक विधवा द्वारा, ठीक है। तो देखो, विधवा द्वारा हड़ौती क्षेत्र में चीड़ का पोमचा ओढ़ा जाता है, चीड़ का पोमचा। तो चीड़ का पोमचा है ये हड़ौती क्षेत्र का है, और एक काले रंग का पोमचा होता है। कैसा होता है? काला पोमचा होता है, काले रंग का पोमचा होता है दोस्तों। और यहाँ राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी है। एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी है। और एक प्रकार की ये जो ओढ़नी है, ठीक है, ओढ़नी, ये पोमचा किसका प्रतीक है? तो पोमचा का दूसरा नाम पीला भी होता है। क्या होता है? पीला भी होता है, पीला भी कहते हैं इसको। तो ये माँ बनने के अवसर पर, उत्सव पर ओढ़ा जाता है। और ये पोमचा जो है ये प्रतीक है किसका? तो ये प्रतीक है दोस्तों किसका? तो ये प्रतीक है, ध्यान रखना, वंश वृद्धि का। किसका है? वंश वृद्धि का प्रतीक है। तो वंश वृद्धि का ये प्रतीक है। दूसरी बात, वंश वृद्धि का ये प्रतीक माना जाता है पोमचा। और वंश वृद्धि का ये जो प्रतीक है पोमचा, ठीक है, वंश वृद्धि का प्रतीक है, माँ बनने पर ओढ़ा जाता है। और ये पीहर पक्ष से आता है। किधर से आता है? पीहर पक्ष से आता है। और इसका अन्य नाम पोमचा है। अगर पुत्र जन्म हुआ है, तो पुत्र जन्म अगर हुआ है तो ये किस रंग का होगा? तो पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है दोस्तों कैसा? पीला। कैसा होगा? पीला पोमचा होगा। और अगर पुत्री का जन्म है, किसका जन्म है? पुत्री का जन्म है, ठीक है, तो पुत्री का अगर जन्म है तो पुत्री के जन्म पर कैसा ओढ़ा जाता है? तो पुत्री के जन्म पर ओढ़ा जाता है दोस्तों पिंक। कैसा? गुलाबी पोमचा। कैसा? गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है पिंक। अगर पिंकी हुई है तो पिंक, और पप्पू हुआ है तो पीला, ऐसे याद रख लेना है। पिंकी गुलाबी, ठीक है, पिंक यानी गुलाबी, पिंकी यानी लड़की, ठीक है। तो पिंकी के जन्म पर गुलाबी, और पुत्र के जन्म पर पुत्र पीला, पुत्र पीला पोमचा ओढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये पोमचा है, पीहर पक्ष से आता है, वंश वृद्धि का प्रतीक है, वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और हड़ौती क्षेत्र में एक काले रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है विधवा महिलाओं द्वारा, उसको चीड़ का पोमचा कहते हैं, ठीक है। और अविवाहित कन्याओं द्वारा ओढ़नी ओढ़ी जाती है, तो ओढ़नी ओढ़ी जाती है अविवाहित कन्याओं के द्वारा। और विवाह के अवसर पर अलग अलग प्रकार की ओढ़नियाँ ओढ़ी जाती हैं, जिसमें विवाह के अवसर पर मोठड़े की साड़ी है, ओढ़नी है, ठीक है, ये ओढ़ी जाती है। विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी धारण की जाती है, ठीक है, चूंदड़ी है, चूंदड़ी की पगड़ी, चूंदड़ी की ओढ़नी है, साड़ी है, पगड़ी होती है, तो ये ओढ़ी जाती हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला प्रश्न, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएँ हैं? बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएँ हैं? तो सांसी, डामोर, सहरिया, कंजर। बीजा माला राजस्थान की किस जनजाति की? तो एक जनजाति है राजस्थान में सांसी जनजाति, और सांसी जनजाति भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं सांसमल नामक व्यक्ति से। और सांसी जो है, इसके सांसी, बीजा और माला दो इनकी क्या है, यहाँ जनजातियाँ हैं, दो शाखाओं में बटी होती है। सांसी जनजाति भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है ज़्यादातर, और ये दो शाखाओं में बटी होती है, जिसमें एक तो बीजा और एक माला। तो बीजा और माला में ये बटी होती है दोस्तों, ओके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखो,
राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी, राजस्थान की जो भाषा है राजस्थानी भाषा, उसके लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कवि कुशल लाभ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सूर्यमल मिश्रण, जेम्स टोड। जेम्स टोड। तो राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया है? कवि कुशल लाभ ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, सूर्यमल मिश्रण ने और जेम्स टोड ने। तो राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है कवि कुशल लाभ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सूर्यमल मिश्रण, जेम्स टोड। तो इसमें जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया है? कवि कुशल लाभ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। तो देखो राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार किसने किया है राजस्थानी शब्द का प्रयोग? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक है इनकी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक है, ठीक है, उसमें राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा, उसका वैज्ञानिक विभाजन किया है इनके द्वारा। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनकी पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया ये पुस्तक है इनकी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक है, 1912 में आई है, 1912 में आई है। राजस्थानी बोली भाषाओं का इसमें वैज्ञानिक विभाजन किया गया है, ठीक है, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है और उसमें राजस्थानी के लिए पहली बार किसका प्रयोग है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है। और इन्होंने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसमें बोलियों को कितने भागों में बांटा है, तो बोलियों को इन्होंने कितने भागों में बांटा है राजस्थानी बोलियों को, तो राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में, ध्यान रखना, 5 भागों में इनको बांटा है राजस्थानी बोलियों को। तो राजस्थानी जो बोलियाँ हैं, राजस्थान में लगभग 73 प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, और राजस्थान की बोलियों को, संपूर्ण बोलियों को राजस्थान की लगभग इन्होंने कितने भागों में बांट दिया है, 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 5 भागों में, और 5 भाग कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, इधर ध्यान सुन लेना। तो इन्होंने एक तो पश्चिमी राजस्थानी बोलियाँ, दूसरा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ, तीसरा मध्य पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ और चौथी है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली, ठीक है, और एक है पांचवी दक्षिणी राजस्थान की बोलियाँ। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की बोलियाँ। तो ऐसे इन्होंने टोटल 5 भागों में राजस्थानी बोलियों को विभाजित कर दिया है, बांट दिया है 5 भागों में। और इनके लिए राजस्थानी शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जबकि राजस्थानी बोली भाषा के लिए मरुभाषा शब्द है ये दिया है किसने, तो ये दिया है उद्धोतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबलयमाला में, तो ये उद्धोतन सूरी ने कहा है, उद्धोतन सूरी, इन्होंने 8वीं शताब्दी में ये कही है बात। ठीक है, मरुवाणी, राजस्थानी बोली को मरुवाणी, मरुभाषा नाम दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्कार है जो किससे जन्म से संबंधित है? सामेला, बान, मौसर, जड़ूला, बताइए कौन सा संस्कार है जो जन्म से संबंधित माना जाता है? सामेला है, बान है, मौसर है, जड़ूला है। देखो सामेला और बान ये दोनों विवाह से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? विवाह से संबंधित हैं। ठीक है, बान बिठाया जाता है, घी पिलाने की परंपरा कहते हैं इसको। ठीक है, गणपति स्थापना होती है और सामेला जब वरात लेकर के वर पक्ष वधु पक्ष के यहाँ चला जाता है तो बरातियों का मीठा पानी पिला करके हालचाल पूछा जाता है, कौशल क्षेम पूछी जाती है, उसको सामेला मधुपर्क कहते हैं। और मौसर जो है ये किससे संबंधित है? तो ये मौसर मृत्युभोज है। क्या है? मृत्युभोज है। तो मृत्युभोज जो है उसको क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। तो मृत्युभोज मौसर है। और जड़ूला, जड़ूला की अगर हम बात करें तो
तो जड़ूला जो है ये मुंडन संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, तो ये मुंडन संस्कार है, ठीक है, बालों को मुंडवाया जाता है, इसको चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चूड़ाकर्म संस्कार। तो चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है इसको। और जड़ूला संस्कार जो बालक होता है, शिशु होता है, उसके पहले तीसरे या पाँचवें वर्ष में जन्म के बालों का पहली बार मुंडन कराया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? ये जन्म से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सबने ज़्यादातर करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनना, उससे पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट सूचना, उत्कर्ष की बुकशाला जो ऐप है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं कर रखा है वो बुकशाला ऐप, जो घर बैठ करके तैयारी करते हैं और उत्कर्ष की पुस्तक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बुकशाला ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करें। और आप कोई भी कंपटीशन की राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके उत्कर्ष की बुकशाला पर बुक हैं जिनको आप घर बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और इसके लिए दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। इस ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो ऑफर जो है उसमें आपको 80% तक डिस्काउंट है, छूट चल रही है। कितने परसेंट तक? 80% तक। तो दोस्तों इसका डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। और ये ध्यान रखना कब तक है, तो ये 3 नवंबर तक है, 24 अक्टूबर से स्टार्ट है, 3 नवंबर तक ये वैलिड रहेगा। तो ये 3 नवंबर तक आप 80% जो धमाका ऑफर चल रहा है, दिवाली धमाका ऑफर, इसका आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महल स्थान युग्म असंगत है, ठीक है, असंगत पूछ रहा है कि असंगत कौन सा है? पुष्पक महल सवाई माधोपुर, अबली मीणी का महल कोटा, जूना महल, जूना महल और जूना महल डूंगरपुर, और आभेड़ा महल अलवर। अब इनमें से आप बताइए कि कौन सा जो महल है उसका असंगत है, असंगत युग्म पूछ रहा है कि असंगत युग्म कौन सा है इनमें से। ओके, असंगत युग्म, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पुष्पक भवन सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही है। अबली मीणी का महल कोटा, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जूना महल, जूना महल कहाँ पे है? डोंगरपुर में, बिल्कुल सही है, ठीक है। आभेड़ा महल ये अलवर में नहीं है, आभेड़ा महल कहाँ पे है? कोटा में है। कहाँ पे दोस्तों? कोटा में है। तो आभेड़ा महल कहाँ पर है? कोटा में है। आभेड़ा महल कोटा में है, चंबल नदी के पास किनारे बना हुआ है आभेड़ा महल, ठीक है। और यहाँ अलवर में, अलवर में जो महल हैं उनमें एक तो यहाँ लेक पैलेस, लेक पैलेस, ये लेक पैलेस है, एक सरिस्का पैलेस है, सरिस्का पैलेस है, एक सरिस्का पैलेस है, सरिस्का पैलेस है, लेक पैलेस है। अलवर का राजभवन है विनय विलास पैलेस, विनय विलास पैलेस है, विनय विलास पैलेस है। तो ये जो हैं ये अलवर के महल हैं, ठीक है। लेक पैलेस जिसको सिली शेड महल कहते हैं, सिली शेड महल कहते हैं, सिली शेड झील के किनारे है तो इसलिए झील के किनारे लेक पैलेस कहलाता है। सरिस्का पैलेस है अलवर में, सरिस्का में, ठीक है। और विनय विलास पैलेस है अलवर का राजमहल है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में तो आरटीडीसी के होटल हैं, लेक पैलेस और सरिस्का में। तो और आभेड़ा महल कहाँ पर है? कोटा में है। जूना महल डूंगरपुर में है। अबली मीणी का महल, ठीक है, कोटा में है। अबली मीणी पासवान थी उसके लिए बनवाया। पुष्पक महल सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है। तो आभेड़ा महल इसमें असंगत युग्म क्या हो जाएगा? आभेड़ा महल हो जाएगा। और आभेड़ा महल कोटा में है, चंबल नदी के किनारे बना हुआ है, शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई हैं? गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई हैं? गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई हैं बताओ भैया? मांड, मांगड़ियार, लंगा और तालबंदी। गौरी देवी, देखो गौरी देवी, गौरी देवी, मांगीबाई, 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 अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई, जमीला बानो बेगम, जमीला बानो बेगम, ब
बन्नो बेगम, बन्नो बेगम, ठीक है। ये सभी इनका जो संबंध है वो किससे है, मांड गायन शैली से है। तो ये मांड गायन शैली है और मांड गायन शैली से संबंधित हैं सभी। गबरी देवी है, मांगी बाई है, अल्लाह जिला बाई है, जमीला बानो बेगम है, बन्नो बेगम है, ये मांड गायन शैली से। और मांड गायन शैली जो है वो जैसलमेर क्षेत्र से शुरू होती है, मांड क्षेत्र कहलाता था जैसलमेर 10वीं शताब्दी में। तो ये सब इससे संबंधित हैं, ठीक है। अल्लाह जिला बाई हैं, ठीक है, और गबरी देवी हैं, मांगी बाई हैं, जमीला बानो बेगम हैं, बन्नो बेगम हैं, ये सब किसके कलाकार हैं, मांड गायन शैली से संबंधित हैं। तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तेजाजी का मेला बीकानेर, बैंडेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर और लक्की मेला करौली। अब कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछ रहा है, एलडीसी 2023 का प्रश्न है। तेजाजी मेला बीकानेर, बैंडेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी मेला जैसलमेर और लक्की मेला करौली, ठीक है। तो आप सबको पता है ये आराम से, किसी का भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर है। तेजाजी का मेला तो कहाँ बढ़ता है, पर्वतसर में बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, पर्वतसर में बढ़ता है। पर्वतसर कहाँ है, नागौर में है, कहाँ है, नागौर में है। बीकानेर में कौन से मेले हैं, तो बीकानेर के जो मेले हैं उसमें देखो, एक तो यहाँ बीकानेर में ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव कहाँ का है, बीकानेर का है, ठीक है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में है। दूसरा, ठीक है, यहाँ कपिल मुनि मेला है, कपिल मुनि मेला है बीकानेर में, ठीक है, कपिल मुनि मेला बीकानेर में है। जसनाथ जी का मेला है, जसनाथ जी का मेला है, इसके अलावा जाम्बो जी का मेला है, जाम्बो जी का मेला है, जाम्बो जी का मेला है, इसके अलावा काणी माता मेला है, काणी माता मेला है बीकानेर में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सभी जो मेले हैं ये किस क्षेत्र के हैं, बीकानेर क्षेत्र के हैं, तो बीकानेर में भरते हैं, ठीक है, बीकानेर में ये मेले भरते हैं। तो काणी माता मेला, काणी माता मेला जाम्बो जी का, जसना जी का, कपिल मुनि का, ऊंट महोत्सव बीकानेर में है, बैंडेश्वर मेला डूंगरपुर बिल्कुल सही है, रामदेव जी मेला जैसलमेर बढ़ता है, रणेचा रामदेवराम में, लक्की मेला करौली में बढ़ता है, लक्की मेला करौली में किसका मेला है, ये लक्की मेला कैला देवी का मेला है, कौन सा है, कैला देवी का मेला है। तो कैला देवी का मेला है और कैला देवी का मेला चैत्र नवरात्रों में बढ़ता है, मेले में भक्तों को लांगुरिया कहते हैं, रामदेव जी भक्तों को जातरु कहते हैं, ठीक है। वीर तेजाजी पशु मेला है, पर्वतसर नागौर में बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, पर्वतसर नागौर में। तो युग्म सही नहीं है वो कौन सा है, ए आंसर है, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर सभी का, शाबाश। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, ददीमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है, ददीमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। ददीमती माता, और ददीमती माता जो है वो गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद में है ये मंदिर, और गोठ मांगलोद में ये मंदिर है, और ये ददीमती माता कुलदेवी हैं किसकी, तो कुलदेवी हैं दधीच ब्राह्मणों की, विकटासुर राक्षस का वध करने के लिए इन्होंने अवतार लिया था, दधीच ब्राह्मण जो हैं उनकी कुलदेवी हैं, दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं, ठीक है। ददीमती माता उनका मंदिर है गोठ मांगलोद में, और गोठ मांगलोद कहाँ है, नागौर में है, नागौर में गोठ मांगलोद है, यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है, ददीमती माता का। बारा में ब्रह्माणी माता का मंदिर है, किसका, ब्रह्माणी माता का मंदिर है सोरसन में, ठीक है, जिसकी पीठ की पूजा, पीठ के दर्शन, पीठ का ही श्रृंगार होता है, ठीक है। सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में चौथ माता, कौन सी माता है, चौथ माता है, चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता मंदिर है, ठीक है, तो चौथ माता मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। गोठ मांगलोद, और गोठ मांगलोद जो है यहाँ, गोठ मांगलोद में नागौर में दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी ददीमती माता का मंदिर बना हुआ है, प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। और ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, नागौर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छेला बाबजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान में किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं, तो ये दोनों जो मेले हैं अगर हम बात करें तो ये पंचमहल गुजरात, पंचमहल जो क्षेत्र है वो गुजरात में, यहाँ ये मेला भरता है, ठीक है,
और ग्यारसी रेवाड़ी मेला छैला बाबा जी का जो मेला है ये किस जनजाति से संबंधित हैं, तो ये डामोर जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, ये सभी जनजाति देखो पूर्वी राजस्थान की हैं, पूर्वी राजस्थान की हैं लगभग। ठीक है, क्योंकि सांसी जो है वो कहाँ, भरतपुर में, सांसी भरतपुर में, कंजर ज़्यादातर कोटा में। ठीक है, कंजर ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ पर है, कोटा में है, और सहरिया जो है वो बारा में है, सहरिया बारा में है। तो यहाँ पर इसलिए जो पंचमहल क्षेत्र गुजरात से लगा हुआ, डामोर जनजाति और डामोर जनजाति डामरी क्षेत्र डूंगरपुर का, ठीक है, डामरी क्षेत्र कहलाता है जहाँ पर, और ये किससे लगा हुआ है, तो ये गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, जिसको डामोर जनजाति जहाँ रहती है उसको डामरिया कहते हैं। सिमरवाड़ा तहसील डूंगरपुर ये क्षेत्र जो है डामरिया कहलाता है, तो डामरिया क्षेत्र है, और डामरिया क्षेत्र कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर में, और यहाँ डूंगरपुर में ये मेला भरता है, पंचमहल गुजरात में, पंचमहल गुजरात में ये मेला भरता है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। शाबाश, अगला प्रश्न देखो, उससे पहले आप सभी के लिए देखो उत्कर्ष टेस्ट सीरीज की सभी सभी जो उत्कर्ष ऐप में टेस्ट सीरीज है उन पर देखो 90% डिस्काउंट है, बहुत खतरनाक ऑफर है। ठीक है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्योंकि आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, जांच सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको उत्कर्ष के दिवाली धमाका ऑफर का फायदा अगर लेना है तो 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये ऑफर चल रहा है, दिवाली धमाका ऑफर, जिसमें 90% तक के उत्कर्ष के सभी जो टेस्ट हैं ऐप में उन पर सभी पर कितना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है, 90%, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार और इस ऑफर का उठाइए फायदा। सुमेलित करना है, देखो वीडियो मेंस का 2022 का लेखक दे रखे हैं और कृति दे रखी है सामने। ठीक है, इनका सही मिलान करना है, अब सही मिलान कर करें फिर इसका आपको आंसर देना है। तो एक बार सही मिलान करो, इनका करेक्ट सा अच्छा सा मिलान करना है। ठीक है, शानदार सा आंसर, गलत नहीं होना चाहिए। सुमेलित करना है, शाबाश। देखो जयानक भट्ट की रचना कौन सी है, पृथ्वीराज विजय, तो यहाँ 3 नंबर लिख देते हैं। ठीक है, 3 नंबर दो में है, अब ये तो गए दोनों। नैनचंद्र सूरी की रचना कौन सी है, हम्मीर महाकाव्य, तो इसमें 1 लिख देते हैं। चंद्रशेखर की रचना कौन सी है, सुरजन चरित और हम्मीर हट, तो इसमें 4 लिख देते हैं। ठीक है, 4 लिख देते हैं। और हरिभद्र सूरी की रचना कौन सी है, साम्राज्य का, ठीक है, हरिभद्र सूरी की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी में दो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मिलान इस प्रकार हो जाएगा, 3142 किस में है, डी में है। तो 3142 डी में है, और ये डी में इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे इनको, जयानक भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, पृथ्वीराज विजय लिखा है। नैनचंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य है, चंद्रशेखर का सुरजन चरित है, और हरिभद्र सूरी का साम्राज्य का है। क्या है, साम्राज्य का है। ऐसे इसका मिलान करके आप आराम से इस प्रश्न को ऐसे सही कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर, एकदम टकाटक आंसर दिया है सबने। जयानक भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो जयानक भट्ट का पृथ्वीराज विजय है, सुरजन चरित और हम्मीर हट, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं दोस्तों, तो ये दोनों ग्रंथ किसके हैं, चंद्रशेखर के। नैनचंद्र सूरी का ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य, ठीक है, और हरिभद्र सूरी का है साम्राज्य का। तो इसका आसन जो है बिल्कुल ऑप्शन ये सही है, तो यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला, रीति रिवाजों में आनो क्या है, ठीक है, आनो दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, कुआ पूजन, जल झूलनी एकादशी की पूजा। ठीक है, अब आप अच्छे से आंसर देना है इसको। ठीक है, रीति रिवाज है आरएस के पेपर में 2021 में आया है। ठीक है, कि रीति रिवाजों में आनो क्या है, के अच्छे से आंसर देना है, टकाटक आंसर आना चाहिए सभी का। देखता हूँ कौन कौन सही आंसर दे रहे हैं, तुक्का नहीं मारना है भैया, है
अच्छे से आंसर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो रीति रिवाज हैं, और रीति रिवाज जो हैं उसमें आनो, ठीक है, आनो जो है दुल्हन पक्ष द्वारा बारात, वर की बारात देखना जाने के लिए, ठीक है, डेरा देखने जाने के लिए वो तो गीत गाया जाता है, और गीत को क्या कहते हैं, जला गीत कहते हैं। जला होता है, कुआ पूजन जलवा पूजन होता है, जलवा पूजन होता है, दशवन जल झूलने एकादशी पूजा इससे संबंधित नहीं है। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, आनो कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, आनो कहा जाता है। और अगर विवाह के पश्चात पहली बार, कई बार बाल अवस्था में विवाह हो जाता है, वयस्क होने पर भेजा जाता है, तो उसको कहते हैं मुकलावा गौना, क्या कहते हैं उसको, मुकलावा गौना कहा जाता है। और विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है, आनो कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, शाबाश, वेरी गुड। क्या आंसर होगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, औद्योगिक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है, औद्योगिक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। औद्योगिक दुर्ग किसको कहते हैं, गिरी दुर्ग, धानमन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, जल दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग किसको कहा जाता है, तो औद्योगिक जो दुर्ग है वो औद्योगिक गिरी दुर्ग, गिरी जो दुर्ग होता है पहाड़ पर्वत पर बना होता है, धानमन दुर्ग मरुस्थल से घिरा होता है, सैन्य दुर्ग जिसमें चतरंगनी सेना रहती है, और जल या औद्योगिक दुर्ग, जल या औद्योगिक जो दुर्ग है वो जल या औद्योगिक दुर्ग है, और वो औद्योगिक दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, यह किसी नदी के किनारे या संगम पर बना हो, तो उसको क्या कहते हैं, औद्योगिक दुर्ग कहते हैं दोस्तों, औद्योगिक दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत है जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है, बाउल, मांगड़ियार, भोपा, लंगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि राजस्थान में संगीत जो है उनमें यहाँ मांगड़ियार शैली राजस्थान की है, भोपा जो है वो राजस्थान में गायन करते हैं, लंगा जो है ये राजस्थान में गायन करते हैं, लेकिन बाउल जो है ये बाउल राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बाउल जो है राजस्थान के संगीत से संबंधित नहीं है, बाउल राजस्थान के संगीत से संबंधित शैली नहीं मानी जाती है। तो बिल्कुल सबने एकदम रगाटा करेक्ट आंसर दे दिया, क्योंकि बाउल जो है वो हमने राजस्थान में पढ़ा ही नहीं है, है? तो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है, मांगड़ियार, भोपा, लंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाउल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाउल जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है सही नहीं है कुचामनी ख्याल का, कुचामनी ख्याल का देखो, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं, इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं, इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा है आपको। ठीक है, अच्छे से आंसर देना, गलत आंसर नहीं आया आना चाहिए, टकाटक आंसर आना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो कुचामनी ख्याल, और कुचामनी जो ख्याल है उसके प्रवर्तक लच्छीराम हैं, ये बिल्कुल सही बात है इसकी। ठीक है, लच्छीराम है, इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल सही बात है, केवल जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री निभाती हैं, बाकी सब जगह पुरुष निभाते हैं। इनमें नर्तक ही गाना गाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद ये नहीं हैं, क्योंकि ये सब कलाकार किसके हैं, तो ये तुर्रा कलंगी के हैं, किसके हैं, तुर्रा कलंगी के कलाकार हैं। इसके जो
कलाकार हैं उसमें कौन हैं, तो इसके जो कलाकार हैं अगर हम देखें तो उमगराज जी, ठीक है, उगमराज जी हैं, ठीक है, और लच्छीराम हैं। उगमराज और लच्छीराम, इन दोनों का नाम याद रखना है। ये किससे संबंधित हैं, तो ये कुचामनी ख्याल से, और कुचामनी ख्याल है कुचामन नागौर की प्रसिद्ध है, ठीक है, ओपेरा शैली में। किसमें? ओपेरा जो शैली है वो ओपेरा शैली में प्रदर्शित की जाती है। ओपेरा शैली की शुरुआत 16वीं शताब्दी में इटली से मानी जाती है। इसकी प्रमुख ख्याल कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख ख्याल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, ठीक है, जिसमें एक तो मीरा मंगल है, मीरा मंगल है, मीरा मंगल है, चांद नीलगिरी है, चांद नीलगिरी है, ये प्रमुख ख्याल हैं इसकी, चांद नीलगिरी है, राव रणमल है, राव रणमल, राव रणमल, चांद नीलगिरी, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल, इन सब ख्यालों का संबंध कुचामनी ख्याल से, कुचामनी ख्याल हैं, ठीक है। इसमें नर्तक ही गाना गाते हैं, इसमें नर्तक जो हैं वो ही क्या करते हैं दोस्तों, गाना गाते हैं कुचामनी ख्याल में। और कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन हैं, तो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो लच्छीराम हैं, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं। तो इसमें तीन कथन सही हैं, ठीक है, एक कथन गलत है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो सी आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है इसमें कथन, ये कथन इसमें सही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल है, और वो कुचामनी ख्याल जो है वो कुचामनी ख्याल इससे संबंधित नहीं है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हमने लगभग 25 प्रश्न सॉल्व किए हैं, और 25 जो प्रश्न हैं ये राजस्थानी कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आप डेली मेरे साथ में इस क्लास से जुड़ते रहेंगे 8 से 9, और 8 से 9 जो क्लास होगी उसमें राजस्थान के MCQ जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो डेली इस क्लास से जुड़ते रहें, लेना क्लास लेना नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।